बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। कुछ दिनों पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकी भरा पत्र मिला था। सलमान खान और सलीम खान को लेटर में कहा गया कि दोनों जल्द ही सिंधु मूसेवाला बनेंगे। पंजाबी गायक की हाल ही में उनके कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एक फेसबुक पोस्ट में पंजाबी सिंगर की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब सलमान खान ने पुलिस को अपना बयान दिया है। अभिनेता ने पुलिस को बताया, मुझे ये पत्र नहीं मिला है, मेरे पिता को ये पत्र मॉर्निंग वॉक के दौरान मिला। मेरी हाल ही में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे पास किसी पर शक करने का कोई ठोस कारण नहीं है, मेरा हाल ही में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई धमकी भरा कॉल या मैसेज नहीं आया है। लेटर हिंदी में लिखा गया है, सलीम खान सलमान खान बहुत जल्दी आपका मूसवाला होगा। पुलिस के मुताबिक सलीम खान को लेटर एक बेंच पर मिला जहां वो रोजाना मॉर्निंग के बाद बैठते हैं। धमकी भरे पत्र में इनिशियल जीबी और एलबी है। जीबी गोल्डी बरार और एलबी लॉरेंस बिश्नोई के लिए हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पत्र के पीछे बिश्नोई का हाथ है या फिर किसी ने इनिशियल का इस्तेमाल कर पत्र लिखा है। इस बीच राज्य पुलिस ने धमकी भरे लेटर मिलने के बाद सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने धमकी भरे पत्र की जांच शुरू कर दी है और घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए बने रहे व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।